देखो अभी आ रही है आवाज। यस सर। चलो देखो आगे क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे खनिज अम्ल या फिर कृत्रिम अम्ल, और ये मैन मेड है, मानव के द्वारा बनाया गया है। तो आपको सबसे पहला याद रखना है H2SO4, दूसरा HCl, तीसरा HNO3 और चौथा है H2CO3। H2CO3 जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। ये लो, ये सारे के सारे कौन से अम्ल है? ये हमें प्रकृति से नहीं मिले, ये बनाए गए हैं, ये हमारे द्वारा बनाए गए हैं। H2SO4, HCl, HNO3 और H2CO3। इन सबके फॉर्मूले याद होने चाहिए, इनके नाम भी याद होने चाहिए, साथ के साथ आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ये खनिज अम्ल है, ये कृत्रिम अम्ल है। इसके अलावा देखो आप, प्राकृतिक अम्ल या फिर कार्बनिक अम्ल, प्राकृतिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल, ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। ये हमें किसके द्वारा मिले हैं? प्रकृति के द्वारा, और इनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो इनकी टेबल बनवा रहा हूं मैं, टेबल के माध्यम से समझा रहा हूं कि कौन सा प्राकृतिक अम्ल कहाँ पाया जाता है और किस में पाया जाता है। नोटिस करना, यहां पे देखो, यहां पे हेडिंग डाल देता हूं मैं, देखो ये ध्यान देना, ये सेकंड पॉइंट चालू हो गए यहां से, अम्ल और क्षारों के स्रोत। स्रोत का मतलब तो यही होता है ना कि अम्ल और क्षार कहाँ से मिलेंगे हमें। तो पहले अम्ल पढ़ रहे हैं, जैसे ही अम्ल कंप्लीट हो जाएगा फिर क्या पढ़ेंगे हम? क्षार। तो फिर मैं यहां से हेडिंग डाल देता हूँ, अम्ल क्षारों के स्रोत, अम्ल क्षारों के स्रोत। सेकंड पॉइंट है अम्ल क्षारों के स्रोत, अम्ल क्षारों के स्रोत। अब इनमें से भी पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? अम्ल। अम्ल क्या चीज है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, कैसे बनाए, क्या नाम है, ये सारी जानकारी हम ले चुके हैं। अब हमें पढ़ना है पॉइंट नंबर दो, अम्ल और क्षारों के स्रोत। तो पहले पढ़ेंगे अम्ल के स्रोत, अम्ल के स्रोत। बताओ, ये मैंने अभी भी बता दिया तुम्हें, अम्ल दो टाइप के हैं, एक तो कृत्रिम अम्ल जिसको बोलते हैं खनिज अम्ल, और एक प्राकृतिक अम्ल जिसका दूसरा नाम क्या है? कार्बनिक अम्ल। तो खनिज अम्ल और कृत्रिम अम्ल वो तो मैंने बता दिया, H2SO4 और HCl, HNO3 और H2CO3। यहां से तैयार करेंगे हम अम्ल के स्रोत, और कौन से अम्ल? प्राकृतिक अम्ल, प्राकृतिक अम्ल। अब ध्यान देना, इधर तो लिख रहा हूं अम्ल और इधर लिख रहा हूं स्रोत, इधर अम्ल और इधर आ जाएगा स्रोत। स्रोत का मतलब ये अम्ल किस में मिलेगा? देखो ध्यान देना, सबसे पहले मैं अम्ल की बात करूं और वो है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल जिसको जवाब आता है वो दे सकता है। लैक्टिक अम्ल किस में दूध पाया में, जाता है? दूध दूध में, दूध दूध में, में, दूध ओके, मिल्क दूध और दही, दूध और दही में, ठीक है, इसको तो कर दो लॉक। नंबर दो की बात करूं मैं, टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल किस में मिलेगा? इमली, अंगूर, अंगूर अब आप, और कच्चे आम में। और इमली, अंगूर और कच्चा आम। हाँ अंगूर ले लो, इमली ले लो। नंबर तीन लैक्टिक अम्ल हो गया, टार्ट्रिक अम्ल हो गया, और नंबर तीन पर हम बताएंगे ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर ऑक्सैलिक में, अम्ल, शाबाश। टमाटर पालक के अंदर, में, टमाटर, टमाटर किसमें मिलेगा? टमाटर के अंदर। टमाटर सिट्रिक अम्ल नंबर चार, सिट्रिक,
नींबू में, नींबू, संतरे, सभी खट्टे फलों में, सबसे सबसे ज्यादा नींबू संतरा। आवाज बंद करो जागृति, आपकी भी आवाज। हाँ, सबसे ज्यादा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में। आपको सिर्फ इतना सही जवाब देना है, सिट्रिक अम्ल किसमें मिलता है? खट्टे फलों में। जितने भी खट्टे फल आते हैं ना, संतरा है, मौसमी है, ठीक है, नींबू है, इन सब में सिट्रिक एसिड होता है। और सबसे ज्यादा अगर सिट्रिक एसिड की बात करूं मैं, सबसे ज्यादा वो नींबू में होता है। सबसे ज्यादा कैसे होता है बंदे, क्या नींबू? हाँ, कोई क्वेश्चन है? सिर्फ मैं ही दे रहा हूं। बस बस चुपचाप पढ़ो, ये खाने पीने की चीजें आ रही, इसका मतलब तुम्हारा मुंह चालू हो गया ना लड़की की तरह। ध्यान दो, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, अब ये अंगूर, इमली, ये देखकर तो खुश हो रही है लड़कियां, जैसे मैं खाने को देने आऊंगा घर पे। अंगूर, इमली, टमाटर, हाँ, लैक्टिक हो गया, टार्टरिक हो गया, ऑक्सैलिक हो गया, सिट्रिक अम्ल हो गया, और कोई अम्ल बचा? बचा है नंबर पांच, और वो जो अम्ल है एस्कार्बिन अम्ल। एस्कार्बिन अम्ल, एस्कार्बिन अम्ल किसमें पाया जाता है? पालक के अंदर, पालक के अंदर, ठीक है। ये बोल भी नहीं को बना रहा है। हाँ हाँ बताओ। देखो ये लो, ये प्राकृतिक स्रोत है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दूध और दही में। ये हमारे द्वारा नहीं बनाया गया, ये हमें नेचर ने दिया है, प्रकृति ने दिया है। टार्टरिक अम्ल अंगूर और इमली हमने थोड़ी बनाया, ये हमें प्रकृति से मिला है। ऑक्सैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर के अंदर। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू में। एस्कार्बिन अम्ल किसमें पाया जाता है? पालक के अंदर। ये लो, ये पहला टॉपिक और ये दूसरा टॉपिक तो कंप्लीट, लेकिन किसके? ओनली अम्लों के, ओनली अम्लों के। अम्लों की जानकारी तो मैंने दे दी, तो यही दो पॉइंट, एक तो सार का इंट्रोडक्शन और सार के स्रोत, सार किस में पाए जाते हैं वो हमें पढ़ना है। तो ये भी देख लो, ये तो हो ही गया, सार का और देख लेते हैं फटाफट। जितनी भी चीजें बताई गई सब मिल जाएगी नोट्स के अंदर, कैसे कैसे लिखा हुआ पॉइंट। आवाज बंद करो अपनी, ओके देखो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्षार का परिचय, क्षार का परिचय, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ बेस। देखो ध्यान रखना, जिस प्रकार हमने पहला पॉइंट तैयार किया था कि अम्ल टेस्ट में कैसे होता है? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होता है? खट्टे। वैसे ही क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। सार स्वाद में कैसे होता है? कड़वे। तो पहला पॉइंट तो यही है कि सार स्वाद में कड़वे होता है। दूसरा पॉइंट, क्षारों की एक और स्पेशलिटी है। देखो सार स्वाद में तो कड़वे होते ही होते हैं, एक और इनकी विशेषता आप पहचान कर सकते हो, क्षार को अगर आप टच करोगे ना, टच, तो वो साबुन जैसे चिकने प्रतीत होते हैं। जैसे मान लो आपने कोई चीज को छुआ और आपको बिल्कुल चिकनी चिकनी सी लग रही ना, साबुन की तरह, साबुन चिकना चिकना लगता है, तो वैसे ही क्षार भी छूने पर कैसे महसूस होता है? चिकने चिकने है, ठीक है। सार को स्पर्श करने पर, सार को स्पर्श करने पर चिकने चिकने प्रतीत होते हैं। सार को स्पर्श करने पर चिकने प्रतीत, सबको दिया है, दिया है सबको, तो मेरे पास बाद में आ जाना, थोड़ी देर की क्लास है और है, थोड़ी देर की, 10-15 मिनट लगेंगे, 10-15 मिनट, चलो ना? हाँ देखो एक बार, सार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। और क्षार को स्पर्श करने पर कैसे महसूस होते हैं? चिकने पर, बिल्कुल चिकने से प्रतीत होता है, ठीक है। अब इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन आपको लेना नहीं है, इससे ज्यादा क्यों सर, बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे इस चीज को लेकर। अम्ल और क्षारों का छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि सार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। और अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। इतना ही है आपके सिलेबस में, ज्यादा करने से कोई मतलब ही नहीं, ठीक है।
हाँ, जहां पर मुझे लगेगा कि ये चीज बतानी चाहिए आपको, उससे तो ज्यादा ही मिलता आपको। ठीक है, तो ये दो बात याद रखोगे किसके लिए, शार के लिए। सार स्वाद में कड़वे और शार को छूने पर कैसे नजर आते हैं, बिल्कुल चिकने प्रतीत होते हैं। अब यहाँ से पॉइंट नंबर टू डालोगे, अम्ल और शार हो के स्रोत, तो अम्ल के स्रोत तो पढ़ लिए हमने, दो टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ से मिलते सारा पढ़ लिया। शार हो के स्रोत क्या पढ़ोगे यहाँ से, सारो के स्रोत। ध्यान देना, एक तरफ तो लिख रहा हूं मैं स्रोत या शार लिख देता हूं इधर तो, और इधर आएगा स्रोत। देखो एक तरफ तो शार लिखना है, दूसरी तरफ स्रोत। सबसे पहले एक नंबर पर मैं शार लिख रहा हूं, एन ए ओ एच, एन ए ओ एच, और इसका नाम क्या है, सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको लॉक करो, बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है, स्रोत बताना ना, ये सार किस में पाया जाएगा। इस वाले कॉलम में तो शार का नाम आ रहा है, और इस वाले कॉलम में हमें ये बताना है कि शार का स्रोत क्या है, ये कहां से मिलता है। तो ध्यान रखना NaOH मिलता है साबुन में, जैसे क्वेश्चन आ जाए ना कि साबुन में कौन सा शार पाया जाता है, तो आपको जवाब देना है NaOH, NaOH, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सॉरी दूसरा शार KOH, KOH, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। अब आप देख लो उसके आगे क्या लगा हुआ है, यहाँ पर सोडियम लगा हुआ था तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर पोटेशियम लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है, ये भी पाया जाता है साबुन में। फिर बोले सर एक साथ लिखवा देते, अलग अलग क्यों करवाया, ये भी साबुन, लेकिन साबुन साबुन में फर्क होता है ना, एक साबुन तो होता है ओसवाल है ना, और एक साबुन होता है नहाने वाला। तो ध्यान रखना जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है ना, कपड़े धोने वाला साबुन, कपड़े धोने वाले साबुन में कौन सा सार होता है, NaOH, कौन सा सार, NaOH। और जो शैम्पू वगैरह आते हैं, शैम्पू है या नहाने वाला साबुन है, उसमें कौन सा शार होता है, KOH, इसलिए मैंने अलग अलग करवाया। ये कौन सा साबुन है, कपड़े धोने वाला, ये कौन सा साबुन है, नहाने वाला। वैसे आजकल तो सब कॉमन है, कपड़े धोने वाले से नहा रहे, नहाने वाले से कपड़े धो रहे, से ज्यादातर तो यही लगा लेते हैं, ये गलत है क्योंकि इसमें केमिकल्स आते हैं, तो ये यूज ही नहीं होना चाहिए हमारे बालों के ऊपर, बाल खराब होते हैं इससे। नंबर तीन, नंबर तीन पर है NH4OH, NH4OH, नंबर तीन पर है NH4OH, और इसका नाम है अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये वाला जो क्षार है NH4OH, NH4 कौन सा ग्रुप होता है, NH4 ग्रुप होता है अमोनियम, अमोनियम के आगे क्या जुड़ा हुआ है, OH, तो नाम क्या हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये किस में पाया जाता है, एक दुधिया पदार्थ होता है, सॉरी अमोनिया के अंदर, अमोनिया। अब अमोनिया क्या है, अमोनिया एक गैस होती है या अमोनिया एक वेस्ट प्रोडक्ट मान सकते हैं, जहरीला सा पदार्थ होता है अमोनिया, उसमें कौन सा क्षार पाया जाता है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नंबर चार, नंबर चार MgOH2, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, नाम क्या होगा इसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और MgOH2 किस में पाया जाता है? MgOH2 पाया जाता है दूध जैसा पदार्थ आता है, दूधीय पदार्थ, जिसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और वही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको मिलता है किसके अंदर? इनो के अंदर। इनो लिया ना सबने, इनो काम तमाम करे सिर्फ 6 सेकंड में, लिया ना इनो। तो इनो को देखना, इनो को जैसे ही पानी के अंदर डाला जाता है उसमें से झाग निकलते, फोम निकलता है उसके अंदर से। तो वो जो झाग है ना वो कैसा नजर आता है? दूध की तरह, दूधिया पदार्थ। वो जो दूधिया पदार्थ है ना उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और उसी दूधिया पदार्थ में कौन सा क्षार होता है? MgOH2। किस में पाया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूधिया पदार्थ, दूधिया पदार्थ। तो कितने क्षार बताए मैंने? 4। वापस आओ, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? साबुन में। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? साबुन में। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? अमोनिया में। MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। एक और तैयार करेंगे, नीचे तो दिखेगा नहीं आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ 5 नंबर पर, और वो है CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस वाले रूम में बैठ जाओ, आ रहा हूं मैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है चूने के पानी में, चूने के पानी में, चूने का पानी देखा ना। तो चूने के पानी में कौन सा क्षार होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो 2 पॉइंट क्लियर कर लिया हमने, 5 मिनट लास्ट। कहाँ पे फिर आ जाना, रुकना एक बार, हो गई वैसे तो क्लास, भाग चिंजी का है। चलो मैं आता हूँ एक बार, है ना, एक बार अपना वीडियो ऑन करो सब फटाफट, जल्दी से वीडियो के साथ साथ आवाज भी खोल लो। राजेश उसके अलावा साइंस के अलावा मैथमेटिक्स सब किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत थोड़ी है? नो सर, आवाज की और ये दिखने की प्रॉब्लम मुझे लग रहा है साइंस में आती, क्योंकि ये मेरे को स्टूडियो ऐसा दे दिया गया, मैं चेंज करवा दूंगा आज इसको। सर नहीं आती कुछ, कभी कभी दिखता है। क्या? कभी कभी दिखता है, धुंधला तो नहीं सर, आवाज साफ आ रही है। ये जो कैमरा लगा हो ना ये थोड़ा कमजोर है, इसको चेंज करवा देंगे आप, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो पढ़ाई तुम्हारी चालू है, रेगुलर क्लास, एक दिन क्लास लेती हूँ दूसरे दिन फिर आप एबसेंट हो जाते हो, ऐसा करना ही नहीं है आपको, रेगुलर क्लास लेनी है। नोट्स मिल रहे हैं सबको? नोट्स यस ग्रुप पे डाल रहा हूँ मैं, स्कूलर पे नहीं डालता, फाइल अपलोड नहीं होती। चलो इधर, ये दो टॉपिक क्लियर कर लिया हमने, कल मैं चालू कराऊंगा अम्ल क्षार रोके सूचक, और सुन लेना कल की क्लास ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू। सही से फटाफट।